मान्यवर, छह साल से करीब करीब साढ़े छह साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहां आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहां बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसंख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वॉटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वॉटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई मान्यवर। मान्यवर, ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई, 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर से बाहर उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाड़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58
ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करते करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित कर जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया, अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दीजिए। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी होगी। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए, ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला, जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया।